नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। डीएम और एसपी ने लिया कोविड का टीका। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ने लगाया इंजेक्शन। डीएम ने कहा जिले में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बहुत ही बढ़िया। बेगूसराय में कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति काफी तेज है। शनिवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार ने कोविड का टीका लगवाया। दोनों अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे, इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी ने उन्हें टीका लगाया। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, जिला प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर हरिराम कुमार ने डीएम एसपी को सर्टिफिकेट प्रदान किया। डीएम ने कहा कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन की गति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। कोविड वैक्सीनेशन के लिए उनका जिनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया उनमें 75% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। आगे सभी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीके दिए जाने हैं। एसपी अवकाश कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को निर्भीक होकर वैक्सीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को भी वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये सर डिलीवरी यही दिखेगा सर, हम लोग का सर को लेते हुए दिखेगा, सब लोग हो गया सर। आप लोग जान रहे हैं कि 16 जनवरी से कोविड-19 का वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और हेल्थ वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स का वैक्सीनेशन का 16 तारीख से चल रहा है और आज से अब फ्रंट लाइन वर्कर्स में, जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स और पंचायती राज ऑफिशियल्स का भी आज से प्रारंभ किया गया है। तो आज हालांकि कुल 6 साइट्स पर हो रहा है, लेकिन कल से पुनः 20 साइट्स पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा, एसपी साहब के द्वारा आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया गया है और मैं पूरी टीम को, जो वैक्सीनेशन की टीम है, उस टीम को धन्यवाद देता हूँ। बेगूसराय जिले में अभी तक प्रगति काफ़ी संतोषजनक रही है। कुल लगभग 14,000 जितने हेल्थ वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स जितने एसोसिएटेड थे, रजिस्टर्ड थे, उसमें से 75% के आसपास लोगों का हो चुका है और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें ज़्यादातर ICTS के वर्कर्स हैं और उनका भी हम लोग डेली शेड्यूलिंग करके और जल्दी उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग पूर्ण करा लेंगे। उसके पश्चात साथ ही साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। फ्रंट लाइन में सर कितने लोग हैं? फ्रंट लाइन में अभी पुलिस साइड से लगभग 4,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रेवेन्यू ऑफिशियल्स और पंचायती राज ऑफिशियल्स में भी लगभग 1,000 हो जाएगा। कल तक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का समय सीमा है, कार्य किया जा रहा है, कल तक काम लेगा। कोविड-19 के रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है 16 जनवरी से, ये एक अहम कड़ी है इस संक्रमण को रोकने के लिए। ऑलरेडी लोगों ने काफी सहयोग किया है इसमें, जिससे संक्रमण चेन को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिली है हम लोगों को। लेकिन इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जब भी आम जनता के लिए खुले तब लोगों से यही अपील रहेगी कि इससे डरे नहीं, अफवाहों से दूर रहें। जो सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जो जानकारियां दी जा रही हैं उस पर विश्वास करें। वैक्सीन कहीं से भी कोई इसका दुष्परिणाम अभी तक सामने नहीं आया, तो निर्भय निर्भीक होकर जब भी वैक्सीनेशन की बारी आए लोगों की, वो वैक्सीनेशन करवाए ताकि इस कोविड-19 पर हम लोग विजय कर सकते हैं। पुलिस कर्मियों का आज से प्रारंभ होगा, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। जितने भी हमारे जवान हैं, पदाधिकारी हैं, सबको वैक्सीन दिया जाएगा और सभी को ये सूचना दे दी गई है। बारी जब भी आएगी उनकी, वो लोग अपना वैक्सीन। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।